सो गाइस आज यहाँ पर डे टू होने वाला है। पीछे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर अरीना है, मतलब जहाँ पर हमारा यू नो इवेंट वगैरह चल रहा है। कल के दिन बहुत सारे लोगों से मिला, शूट नहीं कर पाया कुछ लोगों के साथ, बट आज के दिन जरूर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कंटिन्यू रहिएगा ब्लॉग में, एंड देखते हैं कि कौन कौन आज हम लोगों को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग पीपल है, मे बी आप लोगों ने जानते होंगे। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आज के दिन क्या क्या मस्ती होने वाले, क्योंकि कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं बैक स्टेज में, और यहाँ पर दिखाता हूँ कि लाइक कैसे क्या क्या होता है। सामने पीछे लाइक अगर आप देखोगे तो वहाँ पर चल रहा है मेन इवेंट। मैं बैक एंड में आया हूँ, यहाँ पर प्लेयर्स के लिए बैठने का होता है पूरा, लाइक जो जो यहाँ पर खेल रहा है परफॉर्म, जैसे ये है यहाँ पर टीम पेपर एक्स, यू नो अपने लिए प्रैक्टिस कर सकती है, पीसीज वगैरह लगाए हुए हैं। फिर यहीं अगर आप आगे आओगे तो यहाँ पर टीम सीक्रेट है, जो यहाँ पर यू नो मैचेस देख रहे हैं या फिर अपने लिए अपकमिंग मैचेस की यू नो प्रिपरेशन करोगे। बट पेपर एक्स आप लोगों को पता है मैंने, बहुत ही लाजवाब टीम है। बट यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारी इंडियन टीम हम लोगों को दिखाई दे रही है, जो कि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स है, वो बखूबी आप लोग जानते ही होंगे। फिलहाल ये लोग लाइक बूम ईस्पोर्ट्स के उसमें बैठे हुए हैं, बट यस यहाँ पर ये ग्लोबल ईस्पोर्ट्स हैं, आप लोग बखूबी देख सकते हो अगर यहाँ पर देखोगे तो। भाई बहुत ही प्यारा गेम प्ले देखने को मिलता है इनकी तरफ से। यहाँ आगे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लीड ईस्पोर्ट्स, जो ऑलरेडी लाइक अभी गेम चल रहा है जिनका। एंड ये जो सामने आप देख रहे हो, तो ये सामने में यहाँ पर हिंदी कास्टर्स बैठे हुए हैं, जो यू नो कास्ट वगैरह कर रहे हैं। इंग्लिश आगे आप लोगों को देखने को मिले ही थे, वो बाकी मैं वापस से एक बार दिखा दूंगा। इंग्लिश कास्टर्स से भी हम लोग मिलेंगे ज़रूर, बट यहाँ पर हिंदी यू नो स्ट्रीम हो रही है। यहाँ पर हम लोग जल्दी चलेंगे, दिखाएंगे आपको ये कैसे कैसे यू नो क्या क्या चीज़ें होती हैं, और काफ़ी सारा मज़ा आएगा। हिंदी कास्टर्स से भी मिलेंगे हम लोग, तो बने रहिएगा एंड देखते हैं कि कैसा कुछ यहाँ पर होता है। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोगों को मिल चुके हैं हमारे मामा भैया, मतलब यू नो कोको भैया हमारे, बट बट इनसे जानते हैं कि कैसे हैं। और भाई आजकल तो धमाल मचा रहे हो भाई, सो कैसे हो आजकल, मतलब कहना चाहते हो पहले नहीं मचा रहे थे? नहीं पहले भी थे, बंद कर ब्लॉग को नहीं, पहले ऐसा था ना, सिर्फ वो फ्री फायर तक लिमिट, मतलब वहाँ तक हम लोग देखते थे। अरे अभी धमाल नहीं मचाते हम, अभी भी नहीं मचाते हम, तो बस अपना काम। बट मैं मिस कर रहा हूँ गाइज, मतलब हमारे जो डैश शेयरिंग होता था ना, वो जरूर मैं मिस कर रहा हूँ। होपफुली जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ लीक्स। आप तुम समझ लो इसका, जो समझ है तुम समझ सकते हो। कमिंग बैक या मे बी क्या आने वाला है क्या? बिल्कुल हो सकता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, फिर तो हो गया भाई, छोड़ो फिर तो इंडस्ट्री। मुझे पूछोगे तो मेरा तो ये मानना है कि हां जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट हमारा बाहर है, हिंदी हमारा यहाँ पर हो रहा है। क्या कंपनी? मेरे हमारे तीनों वैलो कास्टर्स, कैसा जा रहा है ये बताओ, मतलब मजा आ रहा है? फुल नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। क्या ही बोल सकते हैं भाई, ये तो मतलब हर किसी में, मतलब फ्री फायर में भी सेम यही सीन है कि मतलब इंटरनेशनल जाते हैं बट कुछ बोल नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। बट हाँ बाकी ये ऐसे हमारा पूरा लाइक आप देख सकते हो, हिंदी टेस्ट के लिए इंग्लिश के लिए पूरा बाहर यहाँ पर रखा गया है। हमारे कास्टर्स यहाँ पर बैठती हैं, वो स्क्रीन रही और इज्जत नहीं हिंदी कास्टर्स की ये बात तो बिल्कुल सही बोली है यार, बट स्टिल
फिर भी आई गेस अच्छा ही है यार, इतना भी मतलब बुरा नहीं है। बट बाकी सर भाई ने तो मतलब अरुण भाई ने तो हमारा बोल सकते हैं कि पबजी ज़्यादा कर रखा है, तो उसमें तो पबजी के भी मतलब बहुत सारे इवेंट्स कर रखे हैं। अरे सॉरी नहीं ये बात है। बट ओके पहले इनसे एक बार आपकी जर्नी जानना चाहूँगा मैं थोड़ी सी, अपना लाइक शॉर्ट फॉर्म में आप अपनी जर्नी बता दीजिए। जर्नी ऐसा है कि मैं इंजर्ड हुआ, बैक पेन हुआ मेरे को, स्लिप डिस्क, मैं बेड रेस्ट पे गया, मैं गेम खेल रहा था, गेम खेलते खेलते उठा तो यहाँ पहुंच गया। ठीक है भाई, एक्चुअली 2 महीने का मेरा बेड रेस्ट था, उसके बाद 1 महीने का मेरा रिहैब था, तो मेरा ऑफिस छूट गया था उस टाइम में, मतलब घर का ही ऑफिस था, पापा की कंपनी थी, तो गेम ही खेल रहा था, अभी बेड पे बैठा क्या ही करूं। ये बात भी ठीक है, ऑफिस तो जा नहीं सकता, तो पूरा टाइम गेम खेल रहा, थोड़ा लाइव स्ट्रीम कर लिया आईपैड से, तो कास्टिंग मिल गई कहीं से, वही करता बस यहाँ तक पहुंच गया और अब बैलो में भी चल रहा है भाई। सो मतलब भाई अभी जस्ट शादी हुई है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना चैट में, सब लोग प्यार देना। इनके साथ हम एक बार ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं, तान्या मैम को हम बखूबी जानते हैं, बट पहले यहाँ पर इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा है और मतलब यहाँ तक की जर्नी कैसी रही। मतलब जर्नी तो सबकी अलग ही रहती है, मेरा भी वैसा ही हुआ है। शुरू था मेरा भी ऐसा था, गेम खेलते थे, पीसी गेम्स मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, तो थोड़ा सा वो था, क्यूरियोसिटी था कि ये गेमिंग दुनिया क्या होता है। तो कॉलेज में एक दोस्त ने बोला था कि एक ऐसा गेम आया, स्टार्टेड विद पबजी मोबाइल, तो पबजी मोबाइल डाउनलोड किया वहाँ पे ना, मतलब ऑफकोर्स मॉडल्स का वो डायनो ये लोगों को देख के ना वो होता था कि वीडियोज डालो, वीडियो डालना चालू किया तो लोग बोले कि स्ट्रीम करना चालू कर, तो वहाँ से करते 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 याद पता एक ही पता लगे कि करियर वो नहीं बना, एथलीट नहीं बन सकता, बनना है तो दौड़ बनो। और तानिया मैम को तो हम बखूबी जानते हैं। Hey vlog, do you know me well? क्योंकि मैं पहली बार ईवेल के व्लॉग पर फीचर होने वाली हूँ, ये मेरा बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, मैंने दुनिया हासिल कर ली महारत। अरे नहीं एक्चुअली लाइक सीन ये है ना कि हम लोग डेस्क वगैरह जरूर शेयर कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड पे हम लोग बहुत बात करते हैं, और स्पेशली जब हमारा इवेंट स्टार्ट होता था तब तो स्पेशली तानिया जी और मैं सबसे पहले आगे बैठ जाते थे और डिस्कस करते थे कि क्या टीम्स करने वाली है, क्या क्या हो सकता है। सो बट यहाँ पर फिलहाल फेस टू फेस या फिर लाइव पर्सन पहली बार मिले, और मतलब हम दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ हैं, और लेट्स होप हमेशा सब अच्छा बनता रहे, आगे बढ़ते रहें, एंड मेरे विंग्स को आप लीजिए। अरे मेरे को ना एक्चुअली क्या कहते हैं स्पैरो भाई से ही जानना है यार, एक बात बताइए, मैं कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ कि मैं पीसी गेम्स में हूँ, क्यों क्या पता नहीं क्यों यार। अरे यार चिलना, कुछ नहीं है, बस गेम के बारे में जानो, सीखो एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट। मेरे साथ मतलब ये सीन हो रहा है कि मतलब फ्री फायर बहुत कर लिया नेशनल इंटरनेशनल, बट मेन प्रॉब्लम यही हो रही है कि वैलो के बारे में जब सोचता हूँ ना तो थोड़ा सा ही हो जाता है कि ये पता हाँ इट्स मच इजियर देन द बैटल ग्राउंड, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटी दो, बट हर मैच सिमिलर बातें ही करनी होती है, ये तो है कह रहा हूँ, वही है ना कि कुछ नया इतना है नहीं, अभी नए एजेंट आते हैं, यू नीड टू लर्न अबाउट देम एंड अपनी यू नो हर बंदे की खुद की पर्सनालिटी होती है, अब वो डालनी है वैलोरेंट में, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू वर्क यार, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। भाई भाई ने बहुत प्यार तरीके से मेरे को लाइक मोटिवेट कर दिया, एंड होपफुली मैं जल्दी आऊंगा, बट थैंक यू सो मच भाई, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। अभी हम लोग आए थे और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या खड़ा है, ये हमारे लोकेश भाई की कार है और लोकेश भाई उधर है, तो हम लोग उनसे जरूर जाकर बात करेंगे। बट या LR7 भाई मतलब ये इसी चीज़ से तो फेमस है गाड़ी, इसी चीज़ से।